नमस्कार, हम ही रोहित स्वागत करते हैं मैच बॉक्स पर। के सबसे पहले मैच बॉक्स कर रही है तमाम से श्रोता के बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामना देते हैं। आज हम आए बने सिरसाव पंचायत के सिरसाव गांव में। देख सकता नहीं कि अपन हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए तमाम सिवान जिला में जितना जगह बसंत पंचमी का पूजा आता, चाहे चौक चौराहा को, चाहे मंदिर को, चाहे स्कूल को, तमाम सभी चीज़ हम अपना मैच बॉक्स के जरिए दिखावा नहीं। और देख सकते नहीं कितना बढ़िया तैयारी भइल बाटे, कितना बढ़िया जी के युवा के द्वारा एगो सुंदर पंडाल तैयार कर बाटे, और यहाँ के कितना सुंदर तरीक़े से पूजा अर्चना कर जाता है, महिला भी मौजूद बोला, तमाम सभी चीज़ काफ़ी जी के युवा के मेहनत के बलबूते जी पूजा के संपन्न कर जाता। और यही क्रम में आज हमारे साथ मौजूद बानी सिरसाव पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी आशुतोष चंदन जी, जो खुद एगो अलग चीज़ तरीका से जी देखल जाता कि तमाम सभी हर जगह हर पूजा पंडाल में जाके बच्चन सन खातिर कलम कॉपी किताब सब देता नहीं। तो चलिए हम बात करते नहीं कि यहाँ के का कहे के चाहते नहीं और का अपने पंचायत के लोग के संदेश देवे के चाहते नहीं। अशोक जी, सबसे पहले हम अपने चैनल पर स्वागत करते नहीं। धन्यवाद रोड़ा के बोलो जी। देखा जाता कि बसंत पंचमी का अवसर बाटे, तमाम सभी चौक चौराहा पर बहुत सुंदर तरीके से पंडाल मूर्ति उर्ति बनल बाटे, तो एक क्रम में आप पंचायत में घूमते तो कैसे लगाता बाटे? और बहुत अच्छा लगाता है। माँ सरस्वती से हम अपना पंचायत के क्षेत्रवासी के युवा विद्यार्थी छात्र छात्रा के मनोकामना करते नहीं कि वो अच्छा पढ़े लिखे और हमारा पंचायत के नाम रोशन करे। वही संदर्भ में हम बच्चा सन के कॉपी कलम और किताब जौन भी हमारा हो पाता ओकरा के हम देता नहीं। आ संदेश बा कि लड़का पढ़ सन, छात्र छात्रा जाके पढ़ सन आ पढ़ के आए पंचायत के नाम रोशन कर सन, दरौदा के नाम रोशन कर सन और बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर जा सन, ताकि हमनी के भी लागे कि ओकनी के जौन हम कलम कापी किताब देनी हम उसे उ आगे बढ़लन सन। आ एगो मन में विश्वास रही, अच्छा लगी। यही से हम माँ सरस्वती से कामना करतनी कि हम हमारा पंचायत के जौन भी छात्र छात्रा बारे वो अच्छा पढ़ल लिखस। बड़ा अच्छा लगल कि माँ सरस्वती के विद्या के देवी कहल जाता है, वह कॉपी कलम देहल जाता है। कार वो दिमाग में कि हमारा सरस्वती पूजा के दिन सभी पंचायतवासी खातिर आज कॉपी कलम देवे के चाहिए शुभ मंगल अवसर पर। माँ सरस्वती शिक्षा के देवी है, तो हमारा मन में बा बहुत तरह के चीज़ लोग दे सकता, लेकिन हमारा इच्छा रहा मन में रहा कि हम बच्चा सन के कलम कापी जौन भी हमारा सक्षम बानी वो दी, आ ताकि वो पढ़ सन लिख सन और अच्छा ए पंचायत के नाम रोशन कर सन, ए ब्लॉक के नाम रोशन कर सन। और अभी यही क्रम में आकर्ष हॉस्पिटल के जन डॉक्टर साहेबानी अभिषेक कुंदन जी यहाँ के भी अपने भाई के साथ घूमता नहीं, तमाम सभी पंचायत में और क्षेत्र में जाके सब केहू के बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते। चलिए यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मैच बॉक्स के श्रोतागण के भी हमरो बहुत बहुत धन्यवाद बा। हम सिरसाव पंचायत के जनता से ये निवेदन करते नहीं आज सरस्वती पूजा के अवसर पर कि जितना भी छात्र छात्रा बा अच्छा पढ़े लिखे और सिरसाव पंचायत के खासकर नाम रोशन करे, सिवान जिला में सिरसाव पंचायत के जानल जाओ। हम चाहते नहीं कि हमारे भाई मुखिया प्रत्याशी भावी मुखिया प्रत्याशी बारे उनकरा के जिताइन लोगिन और भारी मतों से जिताइन लोगिन, ताकि सिरसाव पंचायत के और ग्रोथ होके विकास होके। रो कैसे लगाता कैसे कि रो तो बचपन से ए जी रहल बनी खिलल कुलल बनी, तब मतलब बिजी शेड्यूल हो गया वजह से रो तब आ ना पा तक, तब अभी माहौल कैसे लगा? तब तमाम सी चौक चौराहा पर एगो सुंदर बसंत पंचमी का देखा जाता, तमाम सभी युवा एक एकता का प्रतीत देता और अपना कला चाहे कुछ भी हो कर पूजा करता। बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा देखे के में लगता, बहुत मनमोहक लगता कि बसंत पंचमी अपने आप में एगो बहुत अच्छा ऋतु मानल जला बसंत ऋतु। आ वो समय पूजा कर जला माँ सरस्वती के जौन सादगी और शिक्षा के प्रति प्रत्येक मतलब प्रतीकात्मक बा। तो अभी रोआ के हम लेके चलम सीमान जिला में जहाँ जहाँ बसंत पंचमी का पूजा होता, जहाँ कहाँ अच्छा पंडाल बनल बा, युवा कितना मेहनत कैले बड़े, का सिवान जिला में कितना बसंत पंचमी के धूमधाम से पूजा मनाता, तमाम सभी चीज़ हम लोग दिखा चलें। अभी देखते रहिए मैच बॉक्स।
मैचबॉक्स के जरिए लगातार रोवा के ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखावा तनी बसंत पंचमी के कि कहाँ कहाँ खूबसूरत तरीका से पूजा कर जाता है। आज हम बानी मंदरापाली पंचायत के तिलोतर सुरपुर गांव में रोवा देख सकता नहीं कि युवा मंडली के द्वारा कितना जोश खरोश दिखल जाता टे एगो एकता का प्रतीक देखल जाता टे जी बसंत पंचमी का शुभ अवसर तमाम सब युवा एकजुट होके बसंत पंचमी के धूमधाम से मनावता लो और माँ सरस्वती के पूजा करता लो। चलिए हम बात करते नहीं तमाम सभी युवा मंडली से कि का सोचा था बारे में। सबसे पहले हम ये पूछे के चाहते नहीं कि जो बसंत पंचमी के पूजा बाटे रोलो काफ़ी धूमधाम से मनावा था लोग कितना साल से रोलो पूजा जी मनावा था लोग ये भूतपूर्व बहुत पहले जब से सरस्वती पूजा हमनिक सब नवयुवक हरदम यहाँ मनावे नहीं सन काली स्थान तर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर वह क्षेत्रवासी का संदेश देवे के चाहते नहीं। सबसे पहले तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तमाम क्षेत्रवासी के माँ सरस्वती के उपलक्ष्य में सबके शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ और सभी खास करके शिक्षित युवा वर्गों से कहता हूँ कि शांतिपूर्वक सावधाना से माँ सरस्वती का श्रद्धापूर्वक पूजा किया जाए। यह माँ सरस्वती किसी का बांटा हुआ चीज़ नहीं है, सभी धर्म जाति को सरस्वती की ज़रूरत है, सरस्वती जी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। बिना सरस्वती के कोई चल नहीं सकता है, सरस्वती में शिक्षा होता है, बिना शिक्षा को कोई जीवन नहीं जीता है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन से ही जब मैं स्कूली स्टूडेंट थे छात्र थे उसी समय से हम इसको बड़ी श्रद्धापूर्वक से मनाते रहे हैं, कभी किसी तरह का कोई यही नहीं रहा है। यह अच्छा एक पर्व है, इस पर्व पर सभी तमाम क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मोहम्मद हक युवा नेता। चलिए जैसे कि रवा के हम लगातार दिखावा नहीं करो, अब रवा के हम अंदर लेकर चला था नहीं कि अंदर कैसन बनावल बटे रवा देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीका से एक मूर्ति रखल गए बटे और तमाम देख सकते प्रसाद भी जी मौजूद बटे। तमाम युवा मंडली के द्वारा एक बहुत तरीका से मेहनत के साथ चंदा वसूल के गाँव में कहा जाता है कि युवा तो ज़्यादा धन बल के वाला ना होला लेकिन चांदा 500-200 रुपये इकट्ठा करके एक खूबसूरत बेहतरीन तरीके से ये पूजा करावल जाता टे और अंदर के नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से सजावल गई बाटे और काफ़ी मेहनत लागल बा। लगभग जब बसंत पंचमी के पूजा आवेला तब तो युवा जितना साथी वालों 3-4 दिन से लग जला ती रहे सो बसंत पंचमी के हम अपना मैच बॉक्स के जरिए लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखावा तनी अभी और भी जगह लेकर चलें कि कैसे नो जी बसंत पंचमी के पूजा होता तो वह तब तक देखते रही मैच बॉक्स। हम लगातार मैच बॉक्स के जरिए सिवान जिला में जहाँ पर विचित्र पंडाल बनल बाटे वो चीज़ हम दिखावा तनी। आज हम आयल बनी फलपुरा गांव में और देख सकते नहीं कितना खूबसूरत एगो पंडाल बनावल बाटे जहाज के और हम दिखाए के चाहते नहीं कि जी कि युवा के द्वारा कितना मेहनत के साथ एगो जहाज के चित्र जैसा मतलब आकृति जैसन पंडाल बनावल बाटे रहा देख सकते हैं जैसे जहाज में लैंडिंग करे खातिर चक्का होला वैसे ही मतलब जी के युवा द्वारा लैंडिंग करके चक्का भी बनावल बाटे पंखी भी बनावल बाटे रहा जगह जगह सेम रहा जहाज में देखो तो क्योंकि जब जहाज ऊपर जात हुई तो पंखा भी बनावल बाटे रहा देख सकते हैं पीछे के जन पंख बाटे सेम वैसे सेम एगो आकृति का चीज़ देहल बा तमाम सभी चीज़ रहा हम दिखावा तनी मैच बॉक्स के जरिए लगातार हम रहा सिवान जिले में जहाँ जहाँ बढ़िया पंडाल बनल बा अद्भुत पंडाल बनल बा उस चीज़ के हम दिखावा तनी रहा देख सकते नहीं कि एक लगभग हमारा लागत तक 4-5 दिन ये पंडाल में बनाए के लागल हो और देख सकते कितना मेहनत कैसे कि कोनो भी चीज़ जब कही जला तो बड़ा मेहनत और लगेगा पैसा भी लगेगा तो केहू भी युवा तो उतना धनी मनी तो होला ना आपस में चांदा बटोर के और आपस में एकजुटता के एकजुट होके इस चीज़ के निर्माण कर जाता। अभी रोवा के हम अपना मैच बॉक्स के जरिए दिखावा तनी कि जहाज के स्वरूप दिहल बा अभी फलपुरा गांव में हम मौजूद बानी रोवा देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से युवा के द्वारा जहाज के स्वरूप दिहल गए बाटे जैसे कहा जाए जब जैसे पायलट कक्ष होला तो सेम देख लीजिए जी पायलट कक्ष बाटे यही से पायलट बैठ के उड़ावे ले तो सेम माता सरस्वती के वही में विराजमान कल गए बाटे। हम अंदर लेकर रोवा का चलें रोवा का दिखाएँ कि कैसन ओमे माता सरस्वती के ब्रजमान के बाद देखिए लैंडिंग करे वाला चक्का भी मौजूद बाटे टेम्पोररी कह सकत नहीं युवा अपन मतलब कला दिखाए खातिर टेम्पोररी चक्का लगवैले वालों तब मतलब बड़ी बड़ा तो जहाज स्वरूप ना दे सकत लेकिन काल्पनिक ही कह सकत नहीं कि मतलब काल्पनिक कह के ओकरा के सही तौर पर बनाए के कोशिश कल गए बाटे एगो संदेश देवे के कोशिश कल गए बाटे कि हम मतलब कि बसंत पंचमी जन होलाटे युवा के जोश खरोश और एक एकता भाईचारे के साथ एगो एक बहुत
अद्भुत चीज़ देखने को मिला। अब चलिए हम लोग अंदर लेकर चला था नी रहा देख सका था नी कि जैसे सब यात्री नीचे उतर लाला नू तो सेम वैसे ही बनावल बाटे, जब जहाज लग जाला तो सेम वैसे ही चीज़ बाटे। रहा देख सकते अंदर हम लेके चलते नहीं हई जन सीढ़ी बाटे ऊपर लोग चढ़े लाटे तो ही देख सका था नी कि अभी हम अंदर मौजूद बानी। देख सका था नी कि अभी अंदर के में स्वरूप देख सका था नी कि पायलट कक्ष हटे ही में पायलट बैठे ला लो, लेकिन एगो काल्पनिक तौर पर बनावल बाटे, मतलब कि ये जी मेहनत करके मतलब कि एगो स्वरूप देवे कोशिश कर गल बाटे। रहा देख सकते नहीं कि पायलट कक्ष में माता सरस्वती के विराजमान कल गल बाटे कि माता सरस्वती जैसे लगातार साक्षात ये जी जहाज से उतरल बानी और ये जी उस चीज़ में मौजूद बानी। अभी हम ए जी के युवा साथी लोग से बात करें कि अब युवा साथी लोग से हम बात करूँ कि कितना मेहनत लागल बाटे, कितना दिन लागल बा, कितना पैसा लागल बा और मतलब कितना युवा लोग मिल के इस चीज़ के बनावल जाते। तो चलिए हम ए जी युवा लोग के साथ जितना लोग बाटे हम चलत नहीं और इस चीज़ से पूछे कोशिश करते नहीं। तो चलिए अब जी युवा साथी मौजूद बा लो देख सकते नहीं कि ये नवयुवक तारीफ करें मैच बॉक्स के माध्यम से। रुआ के हम लगातार सिवान जिला में जितना जगह अद्भुत पंडाल बनल बटे बढ़िया सरस्वती जी रखल बनी और ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार हम अपन मैच बॉक्स से दिखाओ के कोशिश करते हैं। देख सकते हैं हे युवा लोग हम पूछे कोशिश करते हैं चाचा ये बताएं कि कौ दिन पहले से पंडाल बन के शुरू बटे। सात दिन से तो लगातार तो सात दिन से मेहनत करे सात दिन लगातार मैंने सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे रात तक ले खूब दिमाग में आये कैसे पंडाल बने के चाहिए। अरे देखल गई जो हवाई जहाज उड़ता ओकर देख के कहा कि एक बनावल जाओ एगो अपना अच्छा। से होता कि ना अच्छा ना कोशिश कल गई सक्सेस आदमी हो गए सक्सेस हो गई। हाँ सेम रोबा से पूछे के चाहता नहीं कि एमें तो सात दिन के वक्त लगल मेहनत भी लागल बटे और कितना लोग मिल के पंडाल के बनैले बटे। जितना लोग बा सब यही इतने आदमी मिल के अच्छा बनैले बा। कितना खर्चा बैठल बटे बनाए में। खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपया लागल बा। 5 से 6 हज़ार रुपया तो पैसा कहाँ से रोल अपने से। हाँ सब इतने आदमी इतने मतलब 10 घर के आसपास इतने हाँ यही लोग से लेके बनावल बा। दिमाग में रोल कब आई कि पंडाल के अलग तरीके से बनाए के चाहिए अलग सब जगह तो पंडाल बनते लेकिन अलग दिखो अलग लोग होला क्या कि कोनो भी चीज भगवान की इच्छा से होला। हाँ। भगवान की इच्छा रहे कि बनावे के तो लड़का लोग से डिमांड करवैले भगवान जे हवाई जहाज बनावल जा तो हमरा से कहल लोग लड़का लोग तो कहीं ठीक बात एक सप्ताह पहले काम चालू भैले कर तो बनावे के स्टार्ट भइल तो बन गई। एक पहले भी बन रहा स्कॉर्पियो बनैल रही वह देख के लोग कहल जे एक बनावल जा फिर दो साल पहले बनैल रही स्कॉर्पियो हर एक साल डिमांड करे ला लड़का जौन तो बना दिएला सरोवर बनाए नहीं। हाँ सरोवर डायरेक्टर बनी। हाँ अच्छा चलिए रोवा देख सकते नहीं कि अभी यहाँ के डायरेक्टर कह सकते नहीं इस चीज़ के हर एक जहाज के अभी और अभी मैच बॉक्स रोवा देखत रही अभी और भी जगह लेके चले कहाँ कहाँ विचित्र और बहुत बढ़िया अद्भुत मूर्ति बनावल बा अद्भुत पंडाल बनावल बा और कितना युवा साथी के जोश खरोश देखा जाता है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर। वह देखते रही मैच बॉक्स अभी हम मौजूद बने दरौंदा के हरदीरा गांव पर। वह देख सकते नहीं जी दबंग दल सरस्वती पूजा समिति के द्वारा एगो शानदार जी पंडाल बनावल गई हम लगातार वह मैच बॉक्स के माध्यम से तमाम सभी सिवान जिला में जहाँ जहाँ बेहतर पंडाल बनल बटे लोग जितना बेहतर तरीके से मेहनत कर ले उस चीज़ के हम अपना मैच बॉक्स के माध्यम से दिखावत नहीं कि जब भी गांव में टैलेंट कभी नहीं है हर गांव के लेके में टैलेंट कूट कूट के भरल बटे तो वही चीज़ आज देखे के मिलता रहा। देख सकते नहीं कि कितना खूबसूरत तरीका से ये पंडाल बनावल बा एक चीज़ बहुत अद्भुत लगा था ये में झंडा का रंग देहल बटे एक अलग तरीका से प्रतीत कल बटे देश के जी एगो प्रतीक देहे के मिलत रहा। देख सकते नहीं कि धागा से 3 रंग में जन हम सके झंडा में 3 रंग वैसे ही जी दिखावल गल बा जी देख सकते नहीं सबसे बढ़िया ये चीज़ लगा था जब अगर और अंदर एंट्री करें तो जी बत्तख के 2 गो चित्र बनावल बा जौन हंसवाहिनी के रथ बाटे उस चीज़ के दिखावल गल अब रुआ के हम अंदर लेके चलत अब अंदर देख सकते नहीं कि हमारा लगा था कि पंडाल के बनाए में लगभग हमें लगा था कि 4 या 5 दिन से जी लगिया मेहनत कर ले तब जाके ये चीज़ बनल बट हम कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा अंदर आ जाए के रोक हम दिखाओ तो नहीं कि देख सकते नहीं धागा
धागा से कितना बढ़िया से बनावल बाटे, रंग बिरंगे धागा बाटे, केसरिया हरा और उज्जर कलर के बाटे, जो हमसे झंडा का चित्र होला न भारतीय झंडा में तीन रंग के वैसे ही चीज़ देहल बाटे, काफ़ी सुंदर तरीके से लागल और भी अद्भुत। जब ये लगा था कि ये जी तीन रंग में हर चीज़ देखल जाते थे, जो गुब्बारा भी बाटे तो तीन रंग में भी बाटे और केला के पत्ता बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने कहा जाला कि बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार कर गई बाटे, मैंने मतलब कहा जाला कि जब भी कुछ बनावल जाला कुछ दिमाग से सोच के समझ के बनावल जाता वैसे ही साफ तौर पर इस चीज़ के बनावल गई बाटे। ये जी जो नारियल का पेड़ होला ओकरे आकृति दे आकृति देहल बटे और देख सकते कि नारियल के पेड़ के कैसे बनावल बटे। और ये जी सबसे बढ़िया ये चीज़ लगा था कि ये नारियल के पेड़ के कितना खूबसूरत तरीके से रंगल गल बटे और हांडी के आकार के तमाम सभी चीज़ स्वागत के जन चीज़ होला उ चीज़ के दिखावल गल बटे। और देख सकते एक अंदर ये जी माँ सरस्वती विराजमानी बनी, कितना अद्भुत और कितना सुंदर लगता कि गाँव में ऐसा एक से बढ़कर एक कलाकृति चीज़ देखे के मिलता लोग हम मैच बॉक्स के माध्यम से दिखावा था नहीं कि कैसे कि अक्सर देखा जाला कि बहुत सारा चीज़ लोग यूट्यूब पर बहुत सारा चीज़ लोग इंस्टाग्राम हर चीज़ पर देख ले लोग, लेकिन गांव में भी अभी कला भी बा टैलेंट भी बहुत सारे चीज़ मौजूद बा। हम आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर बाटे और कहा जाला कि सरस्वती माता कला के देवी है, तो आज उ कला के साफ तौर पर देखे के मिलता कि माता के आशीर्वाद से इ कला चीज़ के जी प्रदर्शित कर इतना अद्भुत लगा था। दबंग दल सरस्वती पूजा समिति के द्वारा एक अद्भुत एक बहुत बढ़िया चीज़ जी देखे के मिलता थे। अभी और भी चीज़ अपना मैच बॉक्स के माध्यम से हम रोज दिखाए चलें और तब तक देखते रहिए मैच बॉक्स। दबंग दल के तमाम युवा मंडली हमारे साथ मौजूद बाटे, बड़ा खुशी होता कि इतना जोश खरोश के साथ युवा पंडाल के बनैले बाटे और ये मैच बॉक्स के माध्यम से रोज देखे के मिलत बाटे। तो हम पूछे के चाहते नहीं कि ए जी के युवा जन साथी वालों इतना जो बढ़िया पंडाल बनल बा कितना दिन में बनैले बाटे। सबसे पहले हम पूछे के चाहते नहीं कि ये जो पंडाल बनाए में कितना दिन लगल बाटे। करीबन यही 20 दिन। 20 दिन लागल बाटे। मतलब दिन रात लागल मेहनत करे में? ना दिन रात ना, मैंने ऐसे डेली 2 घंटा 4 घंटा डेली 2-4 घंटा 5 घंटा। तो दिमाग में कैसे कैसे आकृति के पंडाल बना ऐसे नेट पर देखनी सन कि थोड़ा ऐसे टेम्पररी नॉर्मल रहे और एकरा के नीचे डिजाइन और निकाल देनी सन। ये डिजाइन मतलब की कहले बटे कर दिमाग में मतलब की कहलस कि इतना अद्भुत बनाए के चाहिए? माने हमरे दिमाग में ऐसे पैदा भेल कि ऐसे डिजाइन थोड़ा निकाली मटका टाइप के। तो खर्चो तो बैठल है? खर्चा तो लगभग कितना बैठल? लगभग 3000 के ऊपर बैठल। 3000 से ऊपर बैठल बटे। तो एक आपस में इकट्ठे कर के हमने के जितना समस्या समिति के दल आदमी के बानी सन। अच्छा, दबंग दल सरस्वती पूजा समिति। देख सकते नहीं कि लगभग 20-25 दिन लागल बा एमे इस चीज़ के बनाए में जी मानना बाटे। अभी देख कह सकते नहीं कि 3-4 हज़ार रुपया लागल बा जी तमाम सभी युवा मंडली के द्वारा। और देख सकते नहीं है लड़का सन है लड़का लोग के जब हम आईने कैमरा करते नहीं तो लड़का लोग आ गल कि भैया हमरो ले ली इहो माटी देवे में बालो। मतलब अच्छा लगा था कि कैसे कि सब युवा नवयुवक जब एक साथ मिले जब काम कर अच्छा लगेला कि गांव में एकता भाईचारा देखे के मिलल और भी चीज़ रोका दिखाते रहें और दिखते रही मैच बॉक्स। हम लगातार रुआ के मैच बॉक्स के माध्यम से बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम दिखावत नहीं कहाँ कहाँ एक बढ़िया बढ़िया जगह पर पंडाल बनावल बा। सबसे अब तक अद्भुत चीज़ हम रोवा का दिखावा तनि आज हम अनि जब रामा छपरा गांव में तो हमरा एक अद्भुत चीज़ दिखाई दिलस फिर वो देखा तनि INS क्रंज हटे S-21 कहल जाता है कि युवा के द्वारा 1971 में जन युद्ध में युद्धपोत के इस्तेमाल भे रहे उहे चीज़ के आज स्वरूप देहल बाटे। और वह देख सकते जी के सोच के जी के तमाम विचारधारा के लड़का लोग के कि एगो जन देश के युद्ध पोत रहल बाटे वो शायद केहू ना जानते उहे चीज़ के जी प्रदर्शित कर बाटे। हर साल जी के युवा के द्वारा कुछ ना कुछ अलग चीज़ दिखावल जाता रहा। देख सकते नहीं INS S-21 क्रंज लिखल बाटे और इसमें माँ सरस्वती के विराजमान कही गए बटे। मैंने एक मैंने कह सकते नहीं कि अद्भुत लगता है, मैंने देखे में इतना सुंदर लगता कि मैंने आज भी हमसे आज भी युवा में जितना देखा जाता है बसंत पंचमी को बहुत सारा हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई नहीं है, लेकिन एक अलग ही बसंत पंचमी के हर्षोल्लास दिखाई देता है। और देख सकते नहीं हम ये युवा मंडली से बात करे की कोशिश करते नहीं कि मतलब हर साल ये सुने में आया कि हर साल कुछ ना कुछ अलग बनावा जाता। हम ये पूछे के जानते कि इन लोगों को कब दिमाग में आए कि ये चीज़ बनावे के चाहिए? ये हमने के हालांकि 5-6 साल पहले से ही दिमाग में बावे। जैसे अलग अलग तरह से जैसे अभी बावे INS क्रंज S-21 इंडियन नेवी सबमरीन जौन 1971 में गाजी अटैक ये PNS के
16 गो टॉर्पेडो के साथ ले गई रहल, ओकरा बावजूद भी 28 गो टॉर्पेडो के अति डिस्ट्रॉय कर दिलस। तो हमनी के प्रोग्राम 6-7 साल पहले से कैले बनी सन, जैसे पिछले साल हमनी के अग्नि 5 बनैले रहनी सन, ओकरा पहले इंडियन हेलीकॉप्टर बनैले रहनी सन, ओकरा पहले हाँ टाइटेनिक बनैले रहनी सन, ओकरा पहले नाय बनैले रहनी सन। तो ये सब हमनी के अलग अलग एक अलग तरह से यूनिक मतलब एक जौन सोच कहला वो हमनी के गुरुजी बनी जौन जहाँ के नाम संतोष सर हवे वहाँ के दिमाग में आवे ना वहाँ के मार्गदर्शन हमनी के करे नी सन वहाँ के ये के बहुत बढ़िया चीज बा। काशी के देखल जाता कि बहुत सारा हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई नहीं मैच वो से जरिए, लेकिन एगो हमारा अद्भुत लागल है कि मतलब आज भी देश के जन चीज लोग नहीं जानत युद्ध जन इस्तेमाल भइल बाटे, आज भी रोवल लोग युवा सोच में बाटे। युवा सोच ऐसे बा कि युवा सोच सबसे पहले बात बा कि हमने के युवा उत्सुकता में बाढ़े और ऐसे ये सब नया नया चीज़ हमने के बनावे निशान और देश के प्रति हमने के करे निशान। क्या हमने के आस पड़ोस में जितना भी गाँव बावे साथी संगाती बारे सब आर्मी से रिलेटेड बारे, तो कहला कि ऐसा समर्पित कर लो जौन इंडियन आर्मी के भी प्रोत्साहन होके। तो ये सब यही से हमने के दिमाग में सब आवेला हमने के इंडियन आर्मी के सब आगे काम करें सब। हम मतलब आज के समय में ऐसा सोच होकर बहुत बढ़िया चीज बा, कैसे कि आज भी युवा वर्ग देखल जाता कि अपना देश के समर्पित होकर आज भी खड़ा रहता रहे उहे चीज के उहे सोच के आज ये प्रदर्शित कैल बटे, मैंने आज बहुत मनमोहक लागल। तो सोचनी है कि रोक लोग मैच बॉक्स के जरिए खास चीज के दिखावल जा, मैच बॉक्स अपन हर एक खास चीज के लिए जाना जाता थे, तो उहे आज खास चीज मैच बॉक्स के जरिए हम दिखावतनी रह देख सकतनी कि अभी भी मैं अंदर माँ सरस्वती के विराज मान कैले बा INS क्रंज में X21 हटे और देख सकते फोम के बनावल बटे लग और देखल जाए तैयारी के बात कर लगभग हमें लगा था कि बहुत तैयारी कैल बा एक मेहनत कैल गई बटे लगातार हमें लगा था 10 दिन से एक तैयारी चलताटे तब जाके स्वरूप के दिहल बटे INS क्रंज के तब जाके ऐसे लागत कि साफ तौर पर एगो जन स्वरूप लोग ना जानत रहे उ चीज़ आज लोग देखत अटे। तो हम लगातार मैच बॉक्स के जरिए कुछ ना कुछ एक अद्भुत चीज़ दिखात रहे बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सिवान जिले में कितना अद्भुत पंडाल बनता कितना बढ़िया मूर्ति दिखाया जाता तरह तब तक देखते रही मैच बॉक्स। अभी रोवा के हम लगातार सिवान जिले में जहाँ जहाँ बसंत पंचमी का पूजा होता रहा चौक चौराहा स्कूल या तमाम सभी चीज़ें रोवा के हम देख नहीं बारीकी से। आज हम आए भाई नगई गांव में रोवा देख सकते नवयुग मंडल के द्वारा एक बेहतरीन पंडाल बनावल बा देख सकते नगई गांव में हम बहुत दूर आए बनी रिपोर्टिंग करे खातिर रोवा देख सकते कि एजी के लोग के जोश देखे के मिलत अटे काशी की जो बसंत पंचमी वाला बसंत पंचमी के दिन होला वो दिन कला का पूजा होला और साफ तौर पर आज दिखाई देता कि आज कला का पूजा भइल बाटे। पंडाल जोन बनावल बाटे काफ़ी युवा समिति के द्वारा एक बेहतरीन तरीका से मेहनत के साथ और कुछ रणनीति के तहत एक बनावल गई बाटे। तो रोबा हम तमाम सभी चीज़ के लेके लेके चलें तो रोबा पहले हम अंदर लेकर चलता नहीं रोबा देख सकता नहीं कि ए जी युवा के द्वारा कितना शानदार ई पंडाल के सजावल बा हम रोबा के अंदर के अभी चित्र दिखावत नहीं कि अभी कितना बेहतरीन सुंदर मूर्ति है जी सरस्वती माता के विराजमान कल गए बट ऐसा लगा था साक्षात सरस्वती माता ए जी दर्शन देता नहीं और इमें के जो सजावट कल बाटे बहुत बेहतरीन तरीका से सजावट गई बटे ये कि युवा लोग के तारीफ करे पड़ी कि एक मेहनत के साथ इतना सुंदर तरीका से एक बढ़िया तरीके से चित्रण कल गए बटे। और देख सकते नहीं कि जो विद्या के देवी कल सरस्वती माता को जी आज वो जी कॉपी कलम भी रखल बटे पूजा करे खातिर नवयुग के द्वारा काफ़ी बेहतरीन चीज़ कल गए बटे। अब हम चलें रोक हम देखाम जी के युवा मंडली से हम बात करें कि कैसे पंडाल बनावल बटे और कितना दिन लगल बटे और कितना एमें लोग के मेहनत लागल उ चीज़ के हम पूछें। अभी नवयुग दल मौजूद बा हम यहाँ लोग से बात करते नहीं कि कैसे पंडाल बनावल बटे कितना दिन लागल बटे और का मतलब बनाए में कितना मेहनत लागल बा। सबसे पहले हम पूछे के चाहते नहीं जो पंडाल भव्य बनैले बनी लोग कितना दिन लागल बनाए में। सबसे तो पहले नवयुवक मंगल दल माँ पूजा समिति माँ काली स्थान नगई मेरा स्वागत बटे। ये पंडाल आज 20 दिन से बनत अटे। अच्छा 20 दिन से बनल बा पंडाल मुखड़ा तैयार कैले बन सके बस सजावट के काम में लागल बा 4-5 दिन। अच्छा 4-5 दिन लगल। हाँ 4-5 दिन लागल बटे पूरा लड़का लोग के सपोर्ट मिलल। अच्छा एगो भव्य पंडाल बन के तैयार भइल। अच्छा भव्य पंडाल बन के तैयार भइल मतलब हमें खासकर ज्यादा योगदान उपेंद्र भाई के बा रवि भाई के बा जितेंद्र के बा
अच्छा ई हम पूछे के चाहते रवि जी आप गुरुओं से ई पूछे के चाहते नहीं जो स्ट्रक्चर तैयार कर ले माइंड में कब आ रहा है कि इसने स्ट्रक्चर तैयार करी एक्चुअली जी साल दर साल कुछ अलग तरह के पंडाल बनावे के कोशिश होला तो एक बार कोशिश भइल पिछला साल के तर्ज पर ही कुछ बनल बा लेकिन एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन करके थोड़ा सा नया रूप दिहल बा ओके बदौलत देख पा रहल बनी इस सुंदर चमचमात भव्य पंडाल के निर्माण भइल बा जिमी के दिन बाटे आज कला के पूजा कइल जाता साफ तौर पर हम देखनी कि आज बहुत अच्छा लगल बहुत जगह घूमनी है कि आज कला के माध्यम से लोग अपन चीज़ दिखेला सटे तो रुआ लोग के और क्या प्लान बा रो लोग और क्या सोचते रहे कि नवयुवक दल के और का हो जी रोहित जी हम बता दी रहुआ के कि यहाँ पर मैंने हर साल तो होबे करेला बहुत सारा प्रोग्राम और सबसे बड़ी बात एगो चीज़ बा माँ जौन सरस्वती बानी शारदा बानी कला के देवी हैं तो एगो परंपरा जौन चलर आ रहल बा कला के उमे हमनी के हर साल एगो नाटक के आयोजन होला नवयुवक मंगल दल माँ पूजा समिति के इहे सदस्य लोग के द्वारा पहले हमनी के चाचा बाबा दादा लोग कइल ओह परंपरा के जोगावत हमनी के आज ले उ नाटक बरकरार रखले बानी सा आए वाला पीढ़ी में जौन है छोटा बच्चा युवा बा लोग आए वाला जौन पीढ़ी बा ओके भी संदेश देवे नहीं सा कि आगे भी ये नाटक के जारी रखी लो तो एगो नाटक एहू साल आयोजित हो रहा बा 19 या 20 के मने ओकर अभी तिथि तय नहीं के जौना नाटक के नाम है शायद सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है चंबल के रानी ओकर आयोजन 20 तारीख के हुई देखा जाता है कि आज के युग में हम सन के इतना सोशल साइट पर बिजी हो गए बनी सन तो सोशल साइट पर बिजी हो गए बनी सन तो नाटक जो चीज पहले में छोट छोट रहनी सन तो बड़ा नाटक देखे के मिलो अब विलुप्त हो चुकल बाटे ऐसा लगा था कहीं होते नहीं के ये बहुत बड़ा चीज़ बा कि रो लोग आज ये नाटक अभी जिंदा रख ले बनी लो तो का दिमाग में बाटे नाटक कैसे हो नाटक हमने के हर सोच ये रहा हर साथी के सहयोग और सब लोग के मन मिलाप से आज तक मतलब जो हम लोग के पूर्वजों ने करते आ रहा है भाई बड़े चाचा ताऊ मतलब जो भी लोग हैं उनसे मतलब सीखते आए और हम लोग को जोश और जुनून देते वो लोग आए हैं जो हम ऐसे करते हैं आप लोगों को भी हौसला यही रखना चाहिए जो हमको यही दिल में है जो हम आगे भी करते रहेंगे जो हमारे युवा साथी है युवा भाई है वो भी उनका सोच यही रहे जो हम भी आगे इन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने की कोशिश करें जैसे कि अभी रोवा देखनी कि अभी ई नवयुवक दल से हम मिलने हैं रवा साफ तौर पर देख सकते हैं कितना सुंदर सजावट भी भइल बाटे हम ये चीज़ के दिखाए के चाहता नहीं मैच बॉक्स के जरिए कि कितना मेहनत कर लेल बाटे कैसे कि युवा के द्वारा कहल जाता कि 20 दिन से लगातार एगो मेहनत करके आज इतना सुंदर तरीक़ा से तैयार कर गई बाटे रवा देख सकते हैं कितना मेहनत आज रंग दिखावताटे आज देखते नाटक मंच भी मौजूद बा कहल जाता कि जी नाटक भी होई और ये तमाम लाइटिंग के सुविधा भी मौजूद बाटे लाइटिंग के साथ साथ तमाम सभी चीज़ दिखाए के कोशिश कर गए बाटे हम लगातार रोक मैच बॉक्स के माध्यम से देखें कि सिवान जिले में जहाँ जहाँ भव्य पंडाल बाटे और कहाँ कहाँ बेहतरीन कला का प्रदर्शन कर जाता था हम लगातार वो अपना मैच बॉक्स के माध्यम से देखें तो ये लगातार वो वीडियो देखी चैनल के सब्सक्राइब करिए हो सके तो ज़्यादा शेयर करें नमस्कार।